हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम एस मैथ मैं अपलोड करता हूँ बी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्टैटिक्स सो स्टैटिक्स के लिए आज हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और वो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन ये कहता है कि अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ वेट डब्ल्यू इज हिंस इन अ वर्टिकल प्लेन मतलब वो एक हिंज का मतलब हो जाएगा कि वो एक हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा जो डोर होता है घर का वो कैसे अब है ना उसको हम ओपन कर सकते हैं क्लोज कर सकते हैं उस टाइप से वो हिंज है है ना इस टाइप से तो वो रॉड जो है वो इस टाइप से भी आप देखेंगे डायग्राम में सो अबाउट अबाउट एट ए ए कोई पॉइंट है जिसके अबाउट वो हिंज है एंड इट्स सस्टेंड इन इक्विलिब्रियम बाय अ वेट पी अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एक स्प्रिंग के साथ में सॉरी एक स्ट्रिंग के साथ में बीसीपी स्ट्रिंग के साथ में वो वहां पे इक्विलिब्रियम में अटैच है पास ओवर स्मूथ पेज और वो स्मूथ पेज के ऊपर से जाती है स्ट्रिंग सो ए सी बींग वर्टिकल इफ ए सी बी द इक्वल टू द ए बी यानी कि रॉड और उस जो पेज की हाइट है वो दोनों इक्वल है तो जनरली हम इसको पहले डायग्राम से समझते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा सो so, हमने कहा और ये प्रूफ करना है एक्चुअली पी कोई फोर्स है और उस पर लगने वाला जो सेंटर ऑफ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो फोर्स लग रहा है रॉड पे वो W है और एंगल ए बी सी आपको यहाँ पे ऐसा प्रूफ करना है तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ए बी कोई एक रॉड है ओके okay, जैसा कि आपको कहा यूनिफॉर्म रॉड यूनिफॉर्म रॉड का मतलब ये हो गया कि उसका जो भी सेंटर uh, उसका जो भी मास होगा वो सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट होगा ओके फिर हमने कहा कि इस टाइप से ये OA इसकी एक मान लेते हैं कोई कोई वॉल हो जाएगी और इस इस वॉल पे ये हिंज है ऐसे इस टाइप से तो हिंज होने का मतलब क्या हो गया ये अप डाउन हो सकते मतलब अप डाउन लाइक जैसे अपना जो घर का दरवाजा जो होता है वो, वो जनरली जैसे ओपन होता है वैसे ही होगा ठीक है तो अब जब ये ऐसे होगा तो अब इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमने क्या करता है इसका वेट हमने कहा भाई जो कि यहाँ पे गिवन है वेट इज डब्ल्यू सो ये वेट यहाँ पे डब्ल्यू गिवन है और इसका सेंटर ऑफ मास इसका सॉरी uh, इसका uh, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेंटर में होगा बिकॉज दिस इज अ यूनिफॉर्म रॉड ओके यूनिफॉर्म इसलिए हो जाएगा सेंटर ऑफ मास देन हमने कहा कि ये जो ए बी है इस ए बी की ही हाइट पे हमने एक सी पॉइंट पे पे एक पेज को यहां पे रखा है पेज लाइक स्क्रू जो है हमने उसको रखा है अब इसको इक्विलिब्रियम में रखने के ना रॉड अब ऊपर नीचे हो रही है तो उसको इक्विलिब्रियम में रखना पड़ेगा हमने स्ट्रिंग से इस रॉड को बांधे रखा है तो यहाँ से ये स्ट्रिंग से होते हुए यहाँ आ रही है और इस एंड पे स्ट्रिंग के इस एंड पे हमने एक वेट पी को यहाँ पे सस्टेंड किया हुआ है ठीक है तो ये पूरा इसका एंगल हो जाएगा अब हम इसके कुछ एंगल्स को समझते हैं अब जब ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पर जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है फोर्स का उसको हम यहाँ पे समझते हैं सो क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स पी जो है वो फोर्स पी बी टू सी लग रहा है ना बी टू सी जो है वो फोर्स के डिस्टेंस जो कि आप एरो में यहाँ पे देख रहे हैं ठीक है दूसरा बात करते हैं कि वेट इस वाली लाइन का वो डॉटेड में ऊपर ले जाए तो वो यहाँ पे जाके इसको कट करती है ठीक है और जहां कट करती है वहां पे इस ए पॉइंट से हमने क्या कहा कि ये जो फोर्स है उसको हमने आर फोर्स कह दिया दिस इज फोर्स आर ये आर हो जाएगा ओके फिर हम कह रहे हैं ऐसा कंस, कंस, कंसिडर कर रहे हैं कि भाई जो ए है ना ए सी बी एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे करेक्शन है यहाँ पे ए बी सी नहीं होगा ए सी बी होगा ओके दिस इज करेक्शन फॉर यहाँ पे एसी बी होगा एसीबी का मतलब हो जाएगा ये, ये वाला जो एंगल देख रहे हैं आप इस एंगल को मैं कंसिडर कर रहा हूं थिटा। ये एंगल क्या हो हो जाएगा जाएगा एंगल एंगल अब ये ठीटा है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी सम इसके सारे एंगल्स को फाइंड करेंगे बिकॉज ऑफ दैट फॉर इक्विलिब्रियम क्वेश्चन वी हैव टू अप्लाई द लामी थ्योरम अच्छा लामी थ्योरम जो होती है वो मैंने आपको हमारे प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया आप वहां जाके देख सकते हैं अब लामी थ्योरम क्या कहती है कि जितने भी फोर्सेज होते हैं

अगर एक इसमें से लाइन इसको कट कर रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल, और ये एंगल हो जैसे तो टाइप से क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो ये वाला एंगल ठीठा है ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा ठीठा हो जाएगा दिस इज द जनरल कंसेप्ट ओके तो इस टाइप के जनरल से हमने इसको देखा है फिर हम आगे बात करते हैं यहां पे ये एंगल ठीठा है तो ये भी ठीठा होगा और ये वन है ये अब ये 180 पूरा 180 है और इसमें से इतना सा ये थीटा थीटा है तो थीटा को 180 में से लेस करूंगा तो दिस एंगल इज 180 एटी थीटा। सिमिलरली आप जानते हैं ये इसकी प्रपोरिशन यहां पे ये 180 है इधर ये पूरा 180 है है ना ये पूरा 180 है और ये, ये 180 पूरा 360 हो जाएगा इसमें से मैं अगर 90 लेस करूंगा तो ये वाला एंगल मेरे पास में राइट एंगल आएगा

एक्चुअल में क्वेश्चन का मीनिंग पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जैसे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर बॉडी जब भी लामी थ्योरम ठीक है वो लामी थ्योरम सेटिस्फाई करेंगे वो ट्राइंगल लॉ को सेटिस्फाई करेंगे कभी कभार हम उसमें ट्राइंगल्स लॉ भी यूज करते हैं तो ट्राइंगल्स के लॉ को सेटिस्फाई करेंगे तो ये सारे कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किए सब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में तो ये पूरा डायग्राम हो जाएगा तो जनरली इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमको इसका एकदम लामी थ्योरम के अकॉर्डिंग से पता चलेगा कि हम इसमें लामी थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं तो उससे पहले मैं कुछ जनरल बातें लिख लेता हूँ जो कि हमने इसमें कंसिडर की है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको जनरली लिखनी होती है सो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन में हमने कहा कि भाई ए बी इज ए यूनिफॉर्म रोड सस्टेन्ड विद अ वॉल ए ओ सो हमने कहा कि भाई ये ए ओ वॉल है सो so, हम लिख रहे हैं हेयर ए बी इज अ यूनिफॉर्म रॉड दैट इज इंपोर्टेंट यूनिफॉर्म रॉड का मतलब उसका सेंटर ऑफ जो मास है वो पूरा मतलब जितना भी मासड हो रहा है एकदम हम कह सकते हैं उसके सेंटर पे ठीक है यूनिफॉर्म रॉड दिस इज ए बी इज ए यूनिफॉर्म रॉड सस्टेन्ड एट ऐसा हिंज uh, कह देते हैं हिंज ओके ये जो है वो यहाँ पे हिंज है तो हिंज एट पॉइंट ए और पॉइंट ए जो है वो वॉल पे हैल्व यहां पर ओ ए जो है वो वॉल हो जाएगी सो so, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमने ऐसा लेट किया है फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे लिख देते हैं बाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम So, जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसमें हमने ऐसा लेट किया एंगल ऑफ ये जो यहाँ पे है ए सी बी यानी कि हमने कहा ए सी बी जो है इसको हमने थीटा लेट किया अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ना, एंगल्स की प्रॉपर्टी से हमने क्या क्या कंसिडर किया डिस्कस करते हैं उसके लिए हमको सबसे पहले फ्री बॉडी तो मैं थोड़ा सा फ्री फ्री मतलब हटा ये ये दो और ओनली जो अपने लामी थियोरों में जो यूज होंगे उनके बारे में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका सो जनरली फ्री बॉडी डायग्राम में इसी को देखते बनाना तो ये मान लेते हैं कि ये हो जाएगा इसका आर ओके ये हो जाएगा यहां से W जो कि नीचे की तरफ लग रहा है और ये हो जाएगा P सो ये जनरली इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया तो कहने का मतलब ये हो गया कि P जो पॉइंट है ना P जो है वो ऐसे लग रहा है जस्ट इसके ऐसे तो यहां पे कहने का मतलब क्या हो गया ये वाला एंगल क्या हो गया इस पॉइंट को मैं ओ लैट कर लेता चलो ओ हमने यहाँ लेट कर लिया तो ओ डैस लेट कर लेता है ये तो हो गया नाइन्टी डिग्री का एंगल ये वाला एंगल हम यहाँ पे फाइंड करते हैं दैट इज करता थीटा और ये वाला जो एंगल है दैट इज दाइनटी प्लस थीटा तो हमारे पास में तीन फोर्स हो गए और तीनों के एंगल हो गए अपोजिट वाले एंगल लेने होते हैं ये वाला फोर्स जो आर फोर्स है ओके okay, ये वाला फोर्स ये वाली लाइन है दूसरा ये फोर्स जो पी फोर्स है ये ऐसे लग रहा है जो की अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग पे लग रहा है और ये इसका डब्ल्यू फोर्स है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है दिस इज नोन एज डब्ल्यू फोर्स जो कि वेट है उस पर सेंटर पे है ना सेंटर ऑफ मास जो हम कहते हैं अब यहाँ से क्या करना आपको इनके एंगल फाइंड हमने कर लिए तो जनरली हम इसको अगर शो uh, so करना चाहे तो वी कैन शो दैट हियर सो इसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ओके सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हमने पूरा फ्री कर दिया उसको अब हम यहाँ पे सीधा जो है लामी थ्योरम का यूज़ कर लेंगे सो so, लामी थ्योरम का यूज़ करते हैं यहाँ पे लामी थ्योरम क्या होती है अब चलो अब इस एंगल को भी शो कर सकते हैं यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ बाय एंगल अब एंगल जैसे आप पॉइंट्स ले लो यहाँ से जैसे सी ओ है ना सी ओ डैस ले लो सी एक सेकेंड ये एंगल हो जाएगा यहाँ पे सी ओ डैस आर देट इज नाइंटी डिग्री ओके सिमिलरली आप कह सकते हैं जैसे आ, यहाँ पे एंगल ए ओ डैश सी कि ये वाला जो एंगल है ना ये ए सॉरी हाँ ए डैस नहीं लेना पड़ेगा आप यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्यू पॉइंट कंसीडर कर लिया ना तो आप क्या करो यहाँ पे क्यू ओ डैस ए कर लो कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं ऐसे तो वो हो जाएगा वन एटी माइनस थीटा है ना सिमिलरली ये हो जाएगा क्यू ओ डैस आर तो ये आ जाएगा नाइनटी प्लस थीटा तो मतलब कहने का मतलब है कि भाई साहब यहाँ पे हमने कह दिया ये आर पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने कहा कि सी पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने क्यू पॉइंट कह दिया तो जनरली इस टाइप से हमने एंगल को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया सो अब हमने लामी थ्योरम पढ़े इसका प्रूफ भी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा तो जनरली यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग बाय द लामीज थ्योरम सो लामीज थ्योरम क्या कहती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सो लामीज थ्योरम ये कहती है कि कोई भी अगर फोर्स है दैट इज देशनल टू इफ है ना थ्योरम का स्टेटमेंट जो है है वो ये कि इफ थ्री मीट एट अ पॉइंट देन द फोर्स इज टू द साइन ऑफ एंगलर एंगल या एंगल साइन ऑफ अपोजिट एंगल और अनोदर एंगल मतलब क्या होगा जैसे कि आर है तो इसका जस्ट अपोजिट एंगल के साइन के वो प्रपोरेशनल होगा अब देखो एक्चुअली प्रपोरेशनल होने का मतलब क्या होता है कि मैं कहता हूं कि आर जो है वो साइन ऑफ वन एटी माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल है पी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ नाइनटी प्लस थीटा के सिमिलरली डब्ल्यू जो है वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ नाइनटी के तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो यहाँ सब में क्या आएगा कॉन्स्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को हम के लैट कर आर इज इक्वल टू के साइन वन एटी प्लस थीटा क्या लिख सकते हैं, K की में लिख सकते हैं ना, जैसे आर बाई इक्वल टू पी बाई साइन नाइन प्लस थीटा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसीलिए लामी थ्योरम को क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन में लिखने का मतलब हो जाएगा अब उसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि हम प्रोपोर्शनल कहते हैं और डिवाइड में लिखते हैं तो सीधा सा सिंपल सा मतलब मैंने आपको समझा दिया कि होता क्या है इसमें और लामी थ्योरम जो होती है उसका स्टेटमेंट को बताया मैंने कि सारे जो एंगल्स तो होते हैं उसके परपोरिजनल जैसे हम पी से स्टार्ट करते हैं तो पी ओवर क्या हो जाएगा जैसे यहाँ पे पी के जस्ट अपोजिट एंगल जो है वो क्या है साइन नाइनटी प्लस थीटा सिमिलरली दैट इज इक्वल टू द इनका सारा रेशियो इक्वल होता है ना सारा प्रोपोर्शनल होता है मतलब सारे के इक्वल होंगे है ना सारे डिवाइड करेंगे तो के के इक्वल हो जाएंगे तो ये सारे इक्वल हो जाता है आर इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ वन एटी माइनस थीटा जस्ट उसके अपोजिट सिमिलरली यहाँ डब्ल्यू है तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ नाइन्टी प्लस हा साइन नाइनटी हो जाएगा डब्ल्यू के सामने वाला साइन नाइनटी हो गया अब इसकी वैल्यू पर फाइंड कर लेते हैं तो यार जनरली इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी पी ओवर ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा अब वन एटी माइनस थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा और यार ये जो है वो वन हो जाएगा हमको प्रूफ क्या करना है वो देखना है हमको प्रूफ करना है P इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस ऑफ ए सी बी अब ए सी बी एंगल जो है उसको तो हमने थीटा लेट कर लिया जनरली थीटा के फॉर्मेट में आएगा तो हमको P और W में रिलेशन फाइंड करना है तो कंसीडर कर लो दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो बाई यूजिंग सो बाई फर्स्ट एंड Third. अब ऐसा भी कह सकता है अगर आपको क्वेश्चन में चेंज करके दे दे कि भाई फाइंड करो ना एंगल ये प्रूफ करो तो आप इन दोनों को लेते हैं पी ये पड़ा कॉस को ऊपर भेजा कॉट बन जाता है ना क्वेश्चन चेंज करके कुछ भी दे सकता है तो आपको एक रिलेशन ध्यान रखना है कि हमको क्या प्रूफ करना है तो उसमें आपको रिलेशन लेना है अब हमको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग प्रूफ करना मतलब पी

Keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths.